तो है गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यार, बात शुरू करने से पहले काफ़ी मेरे मतलब कि काफ़ी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक देखना। अंत तक देखने का एक ही मकसद है कि इस चीज़ों में मैं जो बताने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं या मेरा नहीं है, ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। इंडिया के नौजवान और सबसे बड़े जिस पे डिपेंड होता है इंडिया, जिसका कहा जाता है इंडिया का फ्यूचर, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा वीडियो। हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ फैक्ट के बारे में जो आज काफ़ी हद तक इस पैंडेमिक की सिचुएशन में बढ़ता जा रहा है। इस पैंडेमिक की सिचुएशन में लोग खाने के बारे बन रहे हैं। लोगों को दो वक्त की अगर खाना मिल जाए, अगर अच्छे से इलाज मिल जाए, अगर किसी के घर में बाय चांस ऐसा ना हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि किसी को ना हो, कि कोविड की जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में लोग खाने में अपने खाने दो वक्त की खाने का जो रोजगार हर का एम्प्लॉयमेंट इतना घट रहा है, काफ़ी घरों में अपना अपना जो जॉब चली गई है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। हम आज बात करेंगे उस स्टूडेंट्स के बारे में जो मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा था। कुछ दिन पहले कुछ अच्छे लोगों ने भी इसके बारे में बात किया था, मैंने भी देखा था, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया या फिर हमें उससे जो बन पाया वो मैंने किया। लेकिन आज इतना प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुका है, मुझे मैसेज आ रहा है कि लोग कुछ स्पेशली हम आप बात करोगे कि मकआउट के अंदर हम मकआउट के पेज ऑफिशियल पेज क्यों खोल के बैठे हैं। बात ये दरअसल मैं बहुत सारे कॉलेज में ऐसे हुआ, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज मकआउट के अंदर कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि भर भर के उसके बच्चे हम यानी कि हम मकआउट को कवर करते हैं, मकआउट के न्यूज को कवर करते हैं, इसलिए हम इस बारे में ज़्यादा थोड़ा डिटेल्स बता रहे हैं। हमसे नहीं हो रहा है यार, हम क्या कर सकते हैं? हमें जो भी हो सकता है मैंने वो कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मैं इसके द्वारा हो सकता है कुछ फर्क पड़ेगा कि कुछ कॉलेज में प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि कुछ कॉलेजों से, कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे से ये मैसेज आ रहा है कि फीस लेट देने के वजह से उन लोगों को एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसा भी ऑब्जेक्ट आ रहा है कि वो एग्ज़ाम कोई सेमिस्टर फीस या फिर सेमिस्टर का एग्ज़ाम नहीं है, वो केवल यूटी है। यूटी का मतलब यार यूनिट टेस्ट के वजह से आप लोगों को जो एग्जाम नहीं। कुछ बच्चे अगर कोई अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मीटिंगों पे मीटिंग होता जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बच्चे जो अभी तक हो सकता है किसी भी शायद उसके क्लास के बच्चे के वजह से या फिर क्लास के सीआर की वजह से उन्होंने जो भी एग्ज़ाम दे किसी भी हालत किसी भी मुश्किल हालातों की वजह से एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, लेकिन बाद में जो उनका जो रिजल्ट निकल आ गया उसमें उनका नाम नॉट डिक्लेयर किया। अब उनको क्या बताया जा रहा है? अब सवाल बच्चों ने जब यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज वालों से, कॉलेज के जो भी डिपार्टमेंट में है उनसे अगर सवाल किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया जबकि हम लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, कि उनको ये बताया जा रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रिजल्ट। भाई क्या मतलब, कैसा घटिया, कितना घटियापन देखो यार। मैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को हर्ट करना नहीं चाहता या फिर मेरे कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन मैं हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यार कितने गिरोगे? इतना तो गिनना मतलब एक एडुकेटेड पर्सन होकर इतना गिरोगे? आप लोग क्या सिखा रहे हो बच्चे को बताइए, क्या सिखा रहे हो? इतने इतना से इतने चीज़ों के सिर्फ बच्चे ये बता रहे हैं कि कॉलेज में अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 900 स्टूडेंट्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं, चाहे वो कुछ किसी भी तरह से हो, क्या चाहे चोरी किया हो, लोन किया हो, कुछ भी तरह से उसने पे कर दिया, लेकिन कुछ बच्चे चाहे 100 बच्चे पे नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, सबको पता है पैंडेमिक सिचुएशन कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, इस वजह से शायद कुछ बच्चे पे नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब आप उसका एग्ज़ाम रोक दोगे? एग्ज़ाम रोक दोगे उसके साथ अपना एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया है उसे भी रोक दोगे? ये कहाँ का इंसाफ ही है? नहीं, हद होती है, एक चीज़ की हद होती है, एक चीज़ की लिमिट होती है। आप लोग टीचर हैं, आप इंडिया को मतलब इंडिया के हर एक स्टूडेंट, इंडिया नहीं पूरे दुनिया भर में जितने भी स्टूडेंट हैं जो फ्यूचर बनाते हैं, आप लोग, आपके हाथों में बनता है फ्यूचर जो कि देश चलाने के डिपेंड करता है। अब आप लोग ऐसा करोगे, आप लोग क्या सिखा रहे हो कि एक पैसे की वजह से कुछ एडुकेशन नहीं मिल सकता? ऐसा थोड़ी ना होता है। इस सिचुएशन तो कौन सा बच्चा आपको नहीं पता, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे आपको पैसे नहीं देंगे या फिर फी पेमेंट नहीं करेंगे।
हाँ हो सकता है उन लोगों को थोड़ा देर हो रहा है किसी भी कारण से, किसी भी बच्चे जो कोई बता रहा है कि यार लोन सेंशन ही नहीं हुआ। अब लोन सेंशन नहीं हुआ इसका वजह, इसके लिए भी कुछ वैलिड रीजन है। लोन सेंशन नहीं हुआ, कुछ बच्चे बता रहे थे कि हम कॉलेज को, कॉलेज तो खुल नहीं रहा है, ऑनलाइन कॉलेज ऑनलाइन हो रहा है ना। अब ऑनलाइन होने की वजह से हम लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट कॉलेज को सेंड कर दिए। कॉलेज को सेंड आज अगर करें, इस महीने, अगर इस महीने के 1 तारीख को कॉलेज को डॉक्यूमेंट्स करें, वो 2 महीने 3 महीने बाद उसे देख के उसे सेंशन करते हैं। अब देखो, अब 2 महीने 3 महीने बाद सेंशन करेगा तो हमको लोन का पैसा कब मिलेगा? अब लोन का पैसा नहीं मिलेगा तो हम इसका, इस सेमेस्टर का फीस कैसे देंगे? ऐसे ऐसे तरीके से लोगों को, बच्चे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कुछ बच्चे ये भी बता रहा है जो जो स्कॉलरशिप, कुछ बच्चे का ऐसा भी होता है यार, इंडिया है यार, कोई US वगैरह नहीं है जहाँ की पैसे उगता है, किसी भी कंट्री में पैसे उगता नहीं है, या फिर पैसों का पेड़ नहीं रखता, कमाना पड़ता है, या फिर कोई स्कॉलरशिप पे अपना पढ़ाई करता है, स्कॉलरशिप तक अभी नहीं मिला। कम से कम उसके इस बात पे तो ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात, या कोविड जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ हर कोई, अब कुछ स्टूडेंट्स जो भी कॉलेज में, मैं बच्चे बता रहे थे कि जो भी स्टूडेंट्स में कुछ बच्चे बता रहे थे कि बहुत सारे ने हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत सपोर्टिव में है। अब कुछ कुछ बच्चे बता रहे थे कि यार मैंने तो फीस पे कर दिया, हमको क्या प्रॉब्लम है? देखो यार, हमसे एक बात हमेशा अपने दिमाग में, जहन में डाल लेना कि चाहे कुछ भी हो, आपको स्टूडेंट्स को, मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपको अपना अपना स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए। आज आपने पे कर दिया, हो सकता है आप लोगों को कल इसी सेम प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो, ठीक है ना? तो आपको भी दिक्कत हो सकती है, चाहे कुछ भी हो, गलत, सबसे बड़ी बात ये गलत है ना, ह्यूमैनिटी कहाँ गया? शुरू से बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बच्चे पे नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं बोला, उनको थोड़ा देर हो रहा है, उनको थोड़ा टाइम दीजिए। इसके लिए आप लोग अपना अपना यूटी करिए, मतलब सेमिस्टर तो गया छोड़ो, कुछ कॉलेज में यूनिट टेस्ट तक नहीं दिया जा रहा है। अब किसी भी तरह से वो दोनों दे दिया तो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। देखो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? कुछ कॉलेज में ऐसे सिस्टम है कि CMR वगैरह मिलता है, जैसे कि पर्टिकुलर अगर मकआउट के अंदर की बात करें तो उस कॉलेज में CA का मार्क मिलता है इस यूनिट टेस्ट की वजह से। देखो इससे CA, सबसे पहले बता देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों पे मेंटल प्रेशर की वजह से उन लोगों को हो सकता है आगे चल के, ऑलरेडी उन लोग जो भी बच्चे हैं वो करीबन 6 महीने 1 साल से अपने घर बैठे हुए क्लास कर रहे हैं, इनके वजह से मेंटली उनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आप लोग इतना ज़्यादा कंप्लेन करोगे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो बच्चे जिएगा कैसे? हो सकता है कल का आपको वो कुछ कर ना ले, ठीक है ना? इतना इतना स्ट्रेस कौन लेगा? मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सारा का सारा स्टूडेंट्स को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कुछ भी, चाहे किसी की भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी दोस्त की, चाहे भाई की, चाहे बहन की, चाहे या फिर किसी एल्डर, किसी की भी प्रॉब्लम हो, आप लोग अपना अपना जो सब एक साथ रहें, कॉलेज को अपना अपना थोड़ा टाइम दें, उनको समझाएं, ठीक है ना? जो भी अगर प्रॉब्लम हो उन्होंने बताया कि हम दे देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए। अगर ऐसा ना भी हो तो हम बता रहे हैं कि जैसे कि कुछ अमन भाई ने जो भी स्टेप लिया था, ठीक है ना, हाल ही में उन्होंने स्टेप लिया था, कुछ ट्विटर में अपना वीडियो भी शेयर किए थे, मैंने आपको थंबनेल दिखा दूंगा, ये इस तरह का थंबनेल में उन्होंने अपने बताया था, गोल फॉर्म भी कुछ दिया था, ट्विटर में भी अपना पोस्ट किया था, जो ट्विटर में यहाँ पे दिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके दिखा सकता हूँ, आप लोग हर एक चीज़ों को दिखा सकता हूँ मैं। इसके बाद भी ट्विटर के अलावा भी जो भी ट्विटर में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ट्विटर में जो भी मैं आपको ट्वीट कर दूंगा मैं, हो सकता है आप लोग उसका लिंक भी डाल दें, उसके अलावा भी उसमें आप लोग जाके अपना अपना रिट्वीट करके उसे बता देना यार, हैशटैग यूज करना, और भी कुछ लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को भी टैग कर लेना। एंड उसके अलावा भी मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मैंने वीडियो ने ये ज़्यादातर ये हासिल होगा भी या नहीं, इसके वजह से मैंने सुना था, जो भी अमन भाई ने बताया था कि उसके वजह से जो भी हाल ही में जो भी शाम में जो ट्विटर में लाइव, सॉरी शाम को इंस्टा में लाइव करने के बाद सुबह तक कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो चुका था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना, उनको बताना अपना प्रॉब्लम कि वो एक्चुअली ये प्रॉब्लम उनके साथ भी हो सकता है। तो ट्विटर में मैं भी जो भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें ट्विटर में जाके आप लोग रीट्वीट करो, लोगों को बताओ यार, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं बताओगे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होगा। मैं जो भी ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम अपने अपने शेयर कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो अपने अपने कॉलेज के नाम, यूनिवर्सिटी के नाम, मैं गूगल फॉर्म ऐड कर दूंगा, उसमें अपना अपना कॉलेज के नाम बता देना। इसके बाद भी जो भी रिव्यू डालूंगा उसमें सारा का सारा जो भी, जैसे कि उन्होंने बताया, मैं सिर्फ से अमन भाई की तरह ही जो भी
जो स्टेप उन्होंने फॉलो करना चाहते हैं मैं वही फॉलो करूंगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी रिव्यू चल रहा होगा, मैं उसका सारा का सारा सीधा जो भी स्क्रीनशॉट मुझे ऑलरेडी आ रहा है और आगे भी आएगा, जो मकाउट के अंदर करीबन करीबन 200 से भी ज़्यादा कॉलेज है, जो जितने भी कॉलेज में ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट लेके जो भी एचओडी के साथ या फिर प्रिंसिपल के साथ या फिर सेक्रेटरी के साथ जो भी बातें हो रही है उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, अपना नाम लिख के अपना डिपार्टमेंट कॉलेज सब भेजो। हम गारंटी देते हैं कि आपको वादा करते हैं कि आप लोगों का नाम बाहर नहीं आएगा, हम इसके थ्रू ही आप लोगों को हो सकता है जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ सारा का सारा आप लोगों को डिटेल समझ में आया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के साथ सोचिए, थोड़ा सा अकल दे के सोचिए। हो सकता है कल को अगर ये आपके आपके बच्चों के साथ हो सकता है, तो इस बारे में थोड़ा सोच के उनको उनके ऊपर थोड़ा दया दया नहीं है यार, दया बोलना भी भूल होगा, क्योंकि ये उनका हक है, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ही मांग रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोग उनका फी माफ कर दे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही देते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक बाय। एंड इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करना एंड अपने अपने जो भी और भी प्रॉब्लम आ रहा है वो बताते जाना।